Hello and welcome back to my channel. Once again, you are watching Roadventures. My name is Asnan, and today in this show, I'm going to share the Buhera Cornish Sharjah. So if that's what you are looking for, so please consider on subscribing and have some more cool videos coming up on this channel. So guys, also give me a huge favor, do some love with the like button and share button as well. So if that's what you are looking for, I hope this is the content what you are looking for. So your appreciation is boost my confidence, you know. And I was thinking, like, should I keep doing what I am doing? So without wasting any more time, let's get start the video. Sharjah Al Buhera Camel. So right now, safar shuru ho chuka hai, aur is waqt hum ja rahe hain Cornish, Sharjah Cornish, Al Buhera Cornish. To jo cheeze jo hain, wo ye hai ki jo main aapse share karna chahta hu, signals ki discipline. चीज़ें, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन देयर. सो अभी हम हेयर ये हैं और कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो हमें बहुत एहतियात से चलना है यहाँ पर भी. तो अभी फिलहाल सिग्नल आ गया, तो हम सिग्नल के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम मोबाइल को रखेंगे जेब में, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम कॉर्निश तक पहुँच सकें, और उसके बाद फिर मज़ीद हम कॉर्निश की डिटेल आपको बता दें कि अल बुहैरा कॉर्निश का क्या क्या सीन है. राइट नाउ हेयर एट किंग फैसल रोड. ओके, सो नमस्कार. सो फाइनली वी रीच्ड एट कॉर्निश. दिस इज़ अल नूर मॉस्क, और ये कॉर्निश के बिल्कुल साथ ही है. तो अभी हम कॉर्निश भी दिखाएंगे, बट द व्यू इन सी. और इसके बारे में मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ ये बताऊँ कि रात में इस पर एक बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होती है. बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि उसको कैप्चर करूँ, बिकॉज वो हो रही है आजकल, तो मैं बहुत जल्द उसको कैप्चर करूँगा. तो ये है शारजा कॉर्निश अल बुहैरा. सो ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगी. हम अभी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लूर मॉस्क के बाहर, इसके बिल्कुल साथ ही कॉर्निश है, तो हम कॉर्निश दिखाएंगे. यहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है जो अपना घूमते फिरते हैं यहाँ पे, रात में एंजॉय करने आते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है. वीडियो हम अभी नहीं बना सकते क्योंकि अलता रोड है, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हमें स्टॉप करना पड़ेगा वीडियो को, वरना जो है वो मसाइल हो जाते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा. सो देर इज़ वॉट जो है वो अल्नूर आइलैंड है, और यहाँ अल्नूर आइलैंड के कुछ चार्जेस हैं. यहाँ पे बहुत सारे कपल्स और दूसरी फैमिलीज जो भी होती है वो आइलैंड के उस पार जाते हैं, और वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं चीज़ों को. यहाँ के कुछ चार्जेस हैं अराउंड कुछ 35 AED के बाद जो है वो आप यहाँ पे अंदर जा सकते हैं. और आइलैंड के उस पार जो है वो कॉफ़ी शॉप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. ये इन्होंने एक डाइनिंग या ये कह रहे हैं कि एंट्री का एक जो एरिया बनाया हुआ है, और उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज आपको नज़र आ रही होंगी, तो वो अंदर घूम रही हैं. और एक छोटा सा उन्होंने स्टॉप वो बनाया हुआ है, यानी कि इसे इंस्टॉल करते हैं जहाँ से अपनी टिकट वगैरह चीज़ें वगैरह करते हैं. तो राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जाते हैं कॉर्निश के जाने. मौसम बहुत ज़बरदस्त है, और ये कुछ पार्क का एरिया, लेकिन फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, तो हम उसको वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो फैमिलीज़ का इशू हमें पता नहीं. और यहाँ पर ये कुछ गाड़ियाँ हैं, अगर आप चाहें तो पूरा कॉर्निश घूम सकते हैं. ये कॉर्निश यहाँ से लेकर वो सूख तक जाता है, बहुत आगे तक है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये अल बुहैरा कॉर्निश, और ये यहाँ पर गाड़ियाँ हैं.
इसके अंदर आप इजीली बैठकर पूरे कॉर्निश का जो है वो कर सकते हैं विज़िट। और ये लोकेशन तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे लोग आते होते हैं, कपल वपल अपनी चीज़ें वीडियोस बना रहे होते हैं और घूमना फिरना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है एलोवेरा कॉर्निश, और रात में इसका नज़ारा कुछ और ही होता है और दिन में नज़ारा कुछ और ही होता है। और मोस्ट ऑफ़ द जो फॉरनर्स वगैरह हैं वो इस जगह को बहुत पसंद करते हैं और आते भी हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज नज़र आएंगी, और यहाँ पे कुछ इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एनवायरनमेंट, ये खजूर के दरख्त लगे में बहुत सारे लाइन्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज अपनी जो है ना बैठ के पिकनिक मना रही होती हैं शाम में। और बहुत ही डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही यानी कि इतना अच्छा लगता है। रात में आने का तो अलग ही मज़ा है, रात में भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कैप्चर करने की, बट अभी हम फिलहाल ये जो कॉर्निश का ये वाला हिस्सा है हम इसको कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। और अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो आइलैंड है, और ये यहाँ से लेकर ये अलमजाज तक जा रहा है। अलमजाज का वाटर फ्रंट है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी से दिखाऊँ, और ये वाला फ़िलहाल एरिया तो कैप्चर करके मैं दिखाई दूँगा। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोग, बच्चियाँ देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत बच्चियाँ छोटी छोटी सी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, और हम ईज़िली इस जगह पर घूम सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं। सो भाइयों, मैंने अंधेरा होने को है, तो बस कॉर्निश का व्लॉग जो था वो यही था, और इंशाल्लाह आप दोबारा जब आएंगे तो हम कॉर्निश के साथ साथ जो है वो अलनूर मॉस्क को भी कैप्चर करेंगे। और होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, और आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ यू नो क्या करना है आपको, तो वो ज़रूर आप उस पर कीजिए, वो जो आपको बताया कि जो एक लाल वाला दबाना होता है। तो अब सिनेरियो कुछ ये है कि चलते हैं, अंधेरा होने वाला है, तो ज़्यादा मजीद इसके बाद और कुछ चीज़ है नहीं, तो हमने सोचा कि बस जो कॉर्निश है उसी को एक्सप्लोर करें, उसी को दिखाएँ, उसी को शो ऑफ करें। और उम्मीद है कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, मजीद भी जो है ना वो चीज़ें मैं कैप्चर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इससे ज़्यादा आपको कैप्चर कर दिखाएंगे। तो देखते रहिए मेरी शारजा की सीरीज़, आपको बहुत मज़े की वीडियोस मिलने वाली हैं इसके ऊपर। ऑलमोस्ट जो है वो एकदम रात का समय हो चुका है, और कॉर्निश का जो माहौल है वो इस वक्त ऐसा है, और लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं, और बहुत ही दिस इज फ्लैगशिप आइलैंड, और जैसे ही अगर हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ भी ज़रूर चक्कर लगाएंगे, बट अभी तो हमें बहुत रात हो गई तो हमें घर की तरफ निकलना है। फ़िलहाल के लिए ही यही चीज़ बस आप देखो, ये फ्लैगशिप आइलैंड है, और यहाँ पर कुछ इस तरह के झूले वगैरह और चीज़ें लगी हुई हैं। तो आप मंज़र देख रहे हैं, खूबसूरत मंज़र, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसका, बहुत ज़्यादा। अभी के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।